Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. In my previous video tutorial, I have uploaded theoretical aspects of queuing theory. खासकर मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यह भी queuing theory चल रही है, लेकिन इसके पहले हमारे बहुत सारे video tutorials में हमने linear programming problems पर CPM पार्ट पर एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं. अभी हमने क्यूइंग थ्योरी पर फोर पार्ट्स में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं बहुत ही डिटेल में हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं. आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं, शुरू से लेते हैं कैसे हम क्यूइंग थ्योरी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्यूइंग थ्योरी है, जो हमने अपने डिटेल में बताया है, दैट इट व्हाट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव वो सारे के सारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर फॉलो करते हैं, क्योंकि हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर इवेंट्स के अकरेंस एक सीरीज में होते हैं एक इंटरवल ऑफ टाइम पर. तो चूंकि जब भी किसी भी सर्विस फैसिलिटी में, सर्विस सिस्टम में कस्टमर्स का आना या जो सर्विस अवेल करते हैं उनका आना एक सीरीज में इनफैक्ट होता है या एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है, तो नॉर्मली बाय एंड लार्ज जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं दे ऑल फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पर एक जनरल टर्म हम बेसिकली लेते हैं. मान लीजिए हियर द केस इज दैट एन कस्टमर्स अराइविंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम टी. सो द प्रोबेबिलिटी हियर विल बी गिवन बाई दिस फॉर्मूले e to the power minus m, m to the power n upon factorial n. We all understand factorial n, that how to calculate it. And where m is equal to lambda t, lambda is basically the arrival rate of the customers in a period of time t. ये हमें problem में दिया हुआ रहेगा. ऐसे बहुत सारे हमारे, and the value of e is, that is a constant, 2.7183. अब हम एक practical problem लेते हैं. मान लीजिए किसी ब्यूटिशियंस ब्यूटी पार्लर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए एक 5 कस्टमर्स पर आर रीच इन अ ब्यूटी पार्लर, ठीक है. अब तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड पहले हम पूरी प्रॉब्लम जान लेते हैं. मान लीजिए ब्यूटिशियन के पास 5 कस्टमर्स एक घंटे में आते हैं, राइट. अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो कि हम एग्जैक्टली क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 कस्टमर्स आधे घंटे की पीरियड में, यानी कि 30 मिनट पीरियड में आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम देखें तो हमें लैम्डा दिया हुआ है, से लैम्डा इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स पर आवर दिया हुआ है, टाइम हमारा दिया हुआ है दैट इज 30 मिनट्स. माइंड इट, यहाँ पर जो भी फार्मूले बने हैं ये सब आवर में बने हैं. तो 30 मिनट्स का मतलब हाफ आवर, दैट इज 0.5 आवर्स, जो हम कैलकुलेट कर लेंगे. अब अगर हमें ये वैल्यू मिल गई, सो व्हाट इज नाउ एम, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है तो सबसे पहले हमें एम निकालना होगा, एंड एम इज इक्वल टू लैम्डा टी. व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज 5 एंड टी इज 0.5, दैट इज 2.5. सो हियर इट इज 2.5 कस्टमर्स बेसिकली. अब हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 2 कस्टमर्स हियर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो एन ऑल्सो एन इज इक्वल टू 2 कस्टमर्स. तो अब हम ये निकालें कि P 2 कस्टमर्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 0.5 आवर्स विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस m. व्हाट इज m, दैट इज 2.5. सो 2.5 इनटू m टू द पावर n, दैट इज 2.5 टू द पावर n, एंड n इज 2 अपॉन फैक्टोरियल 2. अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो हियर माइंड इट,
ये हम नॉर्मली इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करने के लिए, हमें उनको उनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जरूर होने चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, हमने पहले इसको कैलकुलेट कर रखा है, इट कम्स आउट टू बी 0.257। तो दैट मीन्स कि अगर हम ये निकालना चाहें कि उस ब्यूटी पार्लर में जहां पर कि अराइवल रेट 5 कस्टमर्स पर आर था या है, हमें ये निकालना है कि एग्जैक्टली 2 कस्टमर्स आधे घंटे के अंदर या आधे घंटे के पीरियड में आएंगे की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई निकालने के लिए बड़ा सिंपल फार्मूला दिया हुआ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम करेंगे, वैल्यू हम पुट कर लेंगे, एम की वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा इंटू टी, फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, एंड देन वी कैन कैलकुलेट दिस। दो अगर कुछ हद तक तो इसको हम अकेले कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम इसको ना भी लेके मान लीजिए कहीं पर और कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसको वैसे भी हम सरल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ई की वैल्यू आपको दी हुई है 2.7183, बट इट इज टू द पावर -2.5। इसको अगर आप कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 6.25 अपॉन फैक्टोरियल 2, सो दैट इज 2 into 1 into 2 into 1। So 6.25 upon 2, इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। सो बाय द वे आई हैव कैलकुलेटेड इट टू 0.257। सो नाउ द प्रोबेबिलिटी इज दैट 0.257, दैट इज 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि दो कस्टमर्स एग्जैक्टली आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे। तो हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी के जो क्यूइंग थ्योरी में बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट वन और वन पर्टिकुलर टॉपिक, सो दैट द एंटायर कंसेप्ट ऑफ क्यूइंग थ्योरी बिकम्स क्लियर टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल आर क्लासेस, थैंक यू वेरी मच।